नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखे कोई माने या ना माने, पर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए जैसा कदम फिलीपींस ने उठाया, वे कई देशों के लिए नजीर साबित हो सकता है। खासतौर से भारत में जब कुछ तत्व अपनी नौटंकी दिखाने से बाज नहीं आ रहे हो, फिलीपींस की तरह कड़ा कदम उठाया जा सकता है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई देशों ने लॉकडाउन की घोषणा की है, पर बावजूद इसके लोग इसका उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेंते ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले को सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने सेना और पुलिस को निर्देश दिया है कि दूसरों की जान को आफत में डालने वालों को तुरंत सूट कर दिया जाए। बड़ी बात यह है कि फिलीपींस में भी भारत की भांति स्वास्थ्य कर्मियों से दुर्व्यवहार की रिपोर्ट सामने आने के बाद यह सख्त रुख अख्तियार किया है। फिलीपींस में इस वायरस से संक्रमित 2386 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 104 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। खास बात यह है कि इन मरने वालों में 86 से ज्यादा तहमंदबाज हैं। फिलीपींस के मनीला जैसे शहरों में जिन लोगों ने हुड़दंग किया, वह मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया। फिलीपींस की कुल आबादी में 10% मुस्लिम है और यह लगभग 2500 मस्जिदें लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है। फिलीपींस के मिंडनाओ, पालावान और मोरो जैसे इलाकों में स्थानीय मुसलमान खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। फिलीपींस की 11 करोड़ की आबादी में यहाँ लगभग 1,16,00,000 मुस्लिम हैं, जो इस देश के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। यानी दुनिया के इस ईसाई मुल्क को भी तहमंदबाजों से जूझना पड़ रहा है। रोड्रिगो दुतेंते द्वारा लिए गए सख्त फैसले के बाद सड़कों और मस्जिदों में आवारा घूम रहे टोपीबाज अब चैन से बैठ गए हैं। सेना और पुलिस सरगर्मी से उन मौलानाओं की तलाश कर रही है जिन्होंने तहमंदबाजों को लॉकडाउन के खिलाफ उकसाया था। इस फैसले की खास बात यही है कि दुतेंते ने साफ कर दिया है कि सेना इसे केवल मौखिक चेतावनी के रूप में नहीं ले। अगर कोई बेवजह लॉकडाउन में उपद्रव करता हुआ या घूमता पाया जाता है, उसे तुरंत सूट कर दिया जाए। इस निर्णय के बाद फिलीपींस में पूरी तरह सन्नाटा पसर गया है। पर सवाल यही है कि भारत सरकार सेना को मैदान में उतारने से क्यों हिचक रही है। देश में लॉकडाउन का सबसे ज्यादा उल्लंघन मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जा रहा है। ये लोग फिर से पत्थरबाजी और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भद्रता पर उतर आए हैं। मोदी सरकार को भी लॉकडाउन के उल्लंघन पर सूट करने के आदेश देने चाहिए, फिर चाहे वे किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे तत्वों को भी तुरंत निपटाने की आवश्यकता है जो संक्रमित होने के बाद जानबूझ के थूक कर या फिर अन्य तरीकों से दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। मगर मोदी सरकार अभी भी एक सरकार की तरह कड़ाई से पेश नहीं आ रही है। देश में फैले जिहादी मानसिकता के लोग वही व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया या फिर तुर्की में किया जा रहा है। सऊदी अरब और यूएई का मुस्लिम समुदाय इनकी तरह फंटर नहीं है, मगर भारत में लोकतंत्र के नाम पर इन्हें कुछ ज्यादा ही आजादी दे दी गई है। फिलीपींस के राष्ट्रपति द्वारा लिए गए इस फैसले की कोई आलोचना नहीं होना इस बात का संकेत है कि दुनिया कितनी गंभीर है। विशेषकर तहमंद जमात मानवाधिकार जैसी संस्थाओं की आड़ में हर नियम कायदे को तोड़ देती है, मगर इस लाइलाज बीमारी के प्रकोप के चलते अब इनकी बदतमीजी ज्यादा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। दुनिया की सरकारें इनके ऊपर कठोर हो रही है और इन्हें नियंत्रित करने के लिए सख्त फैसले लेने को मजबूर है। जिन तहमंदबाजों ने संक्रमित तत्वों को छिपाया या फिर सरकारी कामकाज में कोई बाधा उत्पन्न करता है, उस पर तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 4 दिनों में संक्रमित मरीजों के आंकड़े दुगने हो चुके हैं, जिसमें तब्दीली जमात ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब तक 55 व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसमें बड़ी संख्या में जमात के लोग मारे गए हैं। जमात की कार्यगुजारी से भारत भर में हड़कंप है। इंदौर में मदरसा पैदा इसने जो रंग दिखाया, उससे देश हतप्रभ है। अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बिहार, नोएडा, रामपुर में इन तहमंदबाजों ने संगठित होकर उपद्रव किया है। ऐसे में ऑन द स्पॉट सूट और एनएसए जैसी कार्रवाई इस लॉकडाउन की सफलता में बड़ा कारगर कदम हो सकता है। इन असामाजिक तत्वों की अकल ठिकाने लगाने का रोड्रिगो दुतेंते का निर्णय यकीनन प्रशंसा के काबिल है। वे समझ चुके हैं कि देश को बचाना है तो इन तहमंदबाजों की तशरीफ जरूर बचानी पड़ेगी, जो बजनी भी शुरू हो चुकी है और 4 उपद्रवियों को मोरों में ठोका जा चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।